Dear students, in this lecture we will discuss about ceramics. Again, ceramics are also industrially important materials. तो इसलिए जो है ये important है ceramic को पढ़ना. Ceramic जो materials हैं ये generally inorganic, non-metallic materials होते हैं जिनसे ये बनते हैं. तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट सिरेमिक्स, देयर डेफिनेशन, देयर रॉ मटेरियल्स, व्हाट आर द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स, देयर टाइप्स एंड अबाउट देयर एप्लीकेशंस एंड देयर स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिरेमिक्स? Ceramics are generally inorganic compounds having metallic and non-metallic elements that are held via ionic or covalent bond. Most of the time the bonds are ionic having some covalent character. So ceramic compounds kya hai? Ceramic compounds jo hai wo inorganic compounds hain jin mein metallic and non-metallic elements hote hain और वो एक दूसरे के साथ आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं. जनरली आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं. कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है? कम होता है. ये जो जो सिरेमिक्स हैं जनरली दे आर, दे मे बी क्रिस्टलाइन और जनरली दे आर एमोर्फस. कैसे होते हैं? एमोर्फस होते हैं यानी पार्टली क्रिस्टलाइन होते हैं. हाईली स्टेबल हैं. स्टेबल किसके लिए हैं? दे आर रजिस्टेंट टूवर्ड्स टेम्परेचर. स्टेबल हैं, टेम्परेचर रजिस्टेंट हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं. ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिरेमिक्स की? दे आर हाई मेल्टिंग. हाई मेल्टिंग होते हैं, कोरोजन रजिस्टेंट होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रॉपर्टी है कोरोजन रजिस्टेंट, ये कोरोजन रजिस्टेंट होते हैं सिरेमिक्स. अब अगर हम सिरेमिक्स के रॉ मटेरियल्स देखें कि अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो वहां पर क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं. तो मेन जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पांच तरीके के हैं. यहां पर देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स: क्ले, फेल्डस्पार, इसको स्पार भी कहते हैं, सैंड और फ्लिंट, फ्लक्सेस एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स. तो ये मटेरियल्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. ये मटेरियल्स कौन से हैं? वन, जो नंबर वन जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है सिरेमिक प्रिपरेशन में, वो है क्ले. हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं क्लेस, और उसके एग्जांपल दिए हुए जैसे हेलोइसाइट, केओलिन. सो दीज आर, यहां देख रहे हैं आप, एल्यूमिना सिलिका एंड वॉटर इसके साथ इंटैक्ट होता है. तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? क्ले के. और क्ले क्या है? एक रॉ मटेरियल है जिससे कि सिरेमिक की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी. दूसरे तरीके की जो रॉ मटेरियल है वो है फेल्डस्पार्स. फेल्डस्पार्स भी क्या होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम के. तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये पोटाश फेल्डस्पार है, यहां पर K2O है. बाकी आप देख रहे हैं सॉइल की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, Al2O3 एंड सिलिका. और दूसरा जो है वो सोडा फेल्डस्पार का एग्जांपल दिया है, उसमें सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पोटाश है इसलिए ये K2 है, ये K2O यहाँ पर है, एल्कली मेटल का ऑक्साइड. और ये क्या है? फेल्डस्पार्स हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं फॉर सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग. ये जो 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 फेल्डस्पार्स होते हैं दे जनरली एक्ट एज बाइंडर्स फॉर द क्ले पार्टिकल्स. ये क्या करते हैं? क्ले पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करते हैं. तीसरे तरीके का जो रॉ मटेरियल है वो है सैंड और फ्लिंट, इसे फ्लिंट भी कहते हैं. और सैंड का सिंपल जो कंपोजिशन है वो है SiO2. और सैंड का क्या काम है? क्योंकि अगर क्ले ही क्ले होगी तो वो क्या होगी? इलास्टिक होती है. और इसकी जो श्रिंकेज है उसको कम करने का काम कौन करता है? सैंड. सैंड क्या करेगा? इसकी श्रिंकेज, उसका जो सिकुड़ना है क्ले की वजह से, उसको क्या करेगा? कम करेगा. जो चौथे तरीके के, जो फोर्थ टाइप के जो जो रॉ मटेरियल्स हैं सिरेमिक्स के, वो हैं फ्लक्सेस. फ्लक्सेस जो है वो जनरली दे आर इजीली फ्यूजेबल कंपाउंड्स.
फ्लक्सेस जनरली दे लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉडी, जो आर्टिकल होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. ये पोटेशियम कार्बोनेट CF2 Na3AlF6 क्रायोलाइट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन लेड बोरिक एसिड बोरेक्स दे आर जनरली यूज एज फ्लक्सेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स. एंड फिफ्थ टाइप ऑफ रॉ मेटीरियल्स आर रिफ्रैक्टरी मेटीरियल्स. रिफ्रैक्टरी मेटीरियल्स क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे कैन बियर हाई टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बियर कर सकते हैं. इसलिए जब भी सिरेमिक का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स भी मिलाए जाएंगे. जैसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कौन कौन हैं, जैसे देखिए एल्यूमिना है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कार्बाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह ऐड किए जाते हैं और ये रॉ मटेरियल हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स. अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स, कैसे सिरेमिक को प्रिपेयर किया जाता है. थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं कि सिरेमिक जो वर्ड है सिरेमिक्स, ये कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, किरामिकोस ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मतलब है बर्नट स्टफ, जिसको गर्म जलाया जा सकता है वो स्टफ. तो इसको जो है वो ग्रीक वर्ड का मतलब है बर्नट स्टफ, इंडिकेटिंग दैट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटीरियल्स आर नॉर्मली अचीव थ्रू हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉल्ड फायरिंग. एक्चुअली जो सिरेमिक्स हैं उसको हमने कहा बर्नट स्टफ, इसका मतलब यह है कि जो सिरेमिक मटीरियल है वो कब प्रिपेयर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है जनरली तब अचीव होती है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम सिरेमिक्स है. तो फायरिंग जो स्टेप है उसका, उस फायरिंग के स्टेप के थ्रू वी प्रोवाइड द सिरेमिक्स हीट, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है. और ये जो है, ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जनरली ग्रीक्स द्वारा किया जाता था टू ऑल फायर्ड क्ले प्रोडक्ट्स. तो ये जो फिनोमिना है, जो फायरिंग का जो फिनोमिना है, ये कौन यूज करते थे, ग्रीक्स यूज करते थे. जब वो इस तरीके के क्ले प्रोडक्ट्स बनाते थे तो उसको मजबूत करने के लिए लास्ट में क्या करते थे, फायरिंग, उसको जलाते थे. तो जलाने से जो प्रोडक्ट मिलता था एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज उस वजह से होती थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिरेमिक्स. सिरेमिक्स मीन्स बर्नट स्टफ, स्टफ को बर्न कर दिया गया, जला दिया गया, जलाने के बाद उसमें प्रॉपर्टी डेवलप हुई, उसको हमने कहा सिरेमिक्स. तो इसलिए सिरेमिक्स का नाम सिरेमिक्स पड़ा. अब हम देखें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो सिरेमिक के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं. सो दीज आर द मेन स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक्स. सिरेमिक्स की प्रिपरेशन में जो मेन जो स्टेप्स हैं वो, नंबर वन स्टेप इज मेटीरियल प्रिपरेशन. मेटीरियल प्रिपरेशन में क्या क्या करेंगे, रॉ मेटीरियल प्रोसेसिंग करेंगे, फिर स्लिप प्रिपरेशन होगा, देन एजिंग. तो ये तीन जो जो स्टेप्स हैं वो मेटीरियल प्रिपरेशन में आए. देन शेपिंग, शेपिंग देना है आर्टिकल को, आर्टिकल को शेपिंग कर सकते हैं थ्रू मोल्डिंग एंड कास्टिंग. आफ्टर शेपिंग थर्मल ट्रीटमेंट देना होगा, जो मैंने आपसे कहा कि फाइनली क्या करी जाती है, सिरेमिक्स में फायरिंग की जाती है लास्ट में. फायरिंग का मतलब है उनको उनको हीट ट्रीटमेंट देना बहुत हाई टेम्परेचर पर, और उसी की वजह से उनका नाम क्या पड़ा है, सिरेमिक्स, मतलब बर्नट स्टफ. बर्नट स्टफ जो जेनरेट हुआ है ग्रीक्स के थ्रू. ओके, सो थर्मल ट्रीटमेंट, आफ्टर थर्मल ट्रीटमेंट ग्लेजिंग इज द लास्ट स्टेप दैट इज मेंट बाई कोटिंग. तो पहले मटेरियल प्रिपरेशन होगी, फिर शेपिंग होगा मटेरियल का, हमें कैसा शेप उसे देना है, हम उसको किस तरीके का कप का शेप देना चाहते हैं, या हम उसको गिलास का शेप देना चाहते हैं, या हम पॉट बनाना चाहते हैं, तो वो शेपिंग है. थर्मल ट्रीटमेंट, उसको हमें ड्राई करना है. तो थर्मल ट्रीटमेंट दो तरीके का होगा, ड्राइंग होगी फिर फायरिंग होगी. फाइनली फायरिंग के बाद क्या करेंगे, ग्लेजिंग, मतलब उसमें जिससे चमक आए, उसमें कोटिंग करेंगे ताकि उस मटेरियल में चमक आए, स्मूथनेस आए और वाटर को वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो उसको हम कहते हैं ग्लेजिंग. तो अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग. इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, मटेरियल प्रिपरेशन. सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा मटेरियल प्रिपरेशन. ये देखिए, मटेरियल प्रिपरेशन में जो पहला स्टेप होगा वो होगा रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग.
रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? क्ले, फेल्डस्पार एंड सैंड टू गेट पाउडर. सबसे पहला जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग होगी उसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होगी, जिससे कि क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल के पाउडर अलग अलग मिल जाए. ये जो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट क्रशर्स के थ्रू होती है, रोलर्स के थ्रू होती है, मिल के थ्रू होती है. तो जो उसमें जो क्रशर्स यूज होते हैं, जॉ क्रशर है, रोटरी क्रशर है, मिल हैमर मिल है, क्रशिंग रोलर से हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स फॉर दी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मेटीरियल्स. तो ये वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्राइंडिंग करते हैं या क्रशिंग करते हैं रॉ मेटीरियल्स की. इसके बाद जो दूसरा स्टेप है आफ्टर रॉ मेटीरियल प्रिपरेशन, फिर क्या है दूसरा जो स्टेप है, वो है स्लिप प्रिपरेशन. फाइनली पाउडर्ड क्ले, फेल्डस्पार एंड सैंड मिक्सड विद वॉटर एंड स्टेट. जो फाइनली पाउडर्ड हमने प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है उसमें क्ले, फेल्डस्पार एंड सैंड को मिक्स किया पानी के साथ और उसको क्या किया, अच्छी तरीके से स्टिर किया. क्रीम लाइक पेस्ट ऑब्टेंड, क्रीम की तरह पेस्ट ऑफ मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, स्लिप. फिर उसको क्या करेंगे, स्लिप को फिल्टर कर देंगे फॉर रिमूवल ऑफ कोर्स एडहेयर पार्टिकल्स. तो अगर कोई भी उसमें कोर्स एडहेयर पार्टिकल्स होंगे तो उनको फिल्टर कर देंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्लिप प्रिपरेशन. सिंपल जो है वो क्ले, फेल्डस्पार एंड सैंड जो ग्राउंडेड है उनको जो है हमने पानी के साथ स्टिर किया और क्रीम लाइक पेस्ट जो मिला उसको हमने क्या कहा, स्लिप. नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, वो है एजिंग. तो यहां पर क्या करते हैं, जो वॉटर कंटेंट ऑफ स्लिप है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं फिल्टर पेपर्स के थ्रू, जिससे कि क्या मिलता है, एक मॉइस्ट केक मिलता है जिसे फिल्टर केक भी कहते हैं. इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10-30% क्या होता है, वाटर. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिंग. सो एजिंग कैन बी डिफाइंड, द मॉइस्ट केक दैट इज ऑल्सो नोन एज फिल्टर केक कैप्ट फॉर फ्यू वीक्स टू इम्प्रूव प्लास्टिसिटी, द प्रोसेस इज नोन एज एजिंग. ओके, तो एजिंग क्या होती है, उसको हमने फिल्टर केक को कुछ समय के लिए रख दिया, कुछ वीक्स के लिए, उससे उसकी प्लास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, इस मेथड को हमने कहा एजिंग. सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, अब हमने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कर दी है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेपिंग. अब क्या करना है, शेपिंग देनी है मटेरियल्स को, डिफरेंट शेप्स में उनको ढाल सकते हैं. तो जैसे इसको जो शेपिंग है वो कैसे दी जा सकती है, थ्रू मोल्डिंग एंड थ्रू कास्टिंग थ्रू प्रेसिंग. तो जैसे हैंड मोल्डिंग हो सकती है, जैसे आपने देखा है गमले बनाते हैं कुम्हार, और ये जो सुराई है, घड़े हैं, ये हैंड मोल्डिंग है. फिर स्लिप मोल्डिंग हो सकती, स्लिप कास्टिंग हो सकती है कि हम उनको सांचे में डालें. डाई प्रेसिंग हो सकती है, तो इनको डाई प्रेसिंग करके या स्लिप कास्टिंग हम कोई सांचे बनाएं, उन सांचों में उनको डाल दें, जो जो हमें क्या मिला, फिल्टर केक. तो क्या हो जाएगा, उसको शेप मिलेगा, जिस शेप में हमें उसे चाहिए उस शेप के मोल्ड में उसको डाल सकते हैं और उसकी शेपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज थर्मल ट्रीटमेंट. सो थर्ड स्टेप इज थर्मल ट्रीटमेंट. थर्मल ट्रीटमेंट में दो तरीके के ट्रीटमेंट देंगे, एक तो ड्राइंग करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे. तो ड्राइंग प्रोसेस में क्या करते हैं, आर्टिकल्स आर ड्राइड इन द हॉट एयर चैम्बर्स और एयर. कहाँ पर ड्राई किए जाते हैं, हॉट एयर चैम्बर्स में या एयर में, सिंपल एयर में उनको ड्राई किया जा सकता है. ड्राइंग क्या करती है, इट इज यूज टू रिमूव वॉटर फ्रॉम सिरेमिक बॉडी बिफोर फायरिंग. तो फायरिंग करने से पहले जो आर्टिकल है, सिरेमिक बॉडी जो हम बनाने जा रहे हैं, उस आर्टिकल में से पानी को रिमूव करना ड्राइंग का मेन काम है. नहीं तो वहां पर ब्रेकिंग हो सकती है. अगर हम एकदम से तेज हाई टेम्परेचर पर अगर हम उसको सिरेमिक बॉडी को फायर करेंगे तो क्रैकिंग हो सकती है. इसलिए हम पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें से वॉटर रिमूव करेंगे और ड्राइंग करेंगे. इससे क्या होता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वाटर रिमूवल होता है, और अगर कुछ ऑर्गेनिक बाइंडर रिमूवर होना है तो वो 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई करने पर वो रिमूवल हो सकता है. तो ये रिमूवल करते हैं जनरली वाटर को रिमूव करने के लिए, ड्राइंग प्रोसेस की जाती है आर्टिकल्स की जिनको हम शेप दे चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप है फायरिंग. फायरिंग का जो स्टेप है ये ड्राइंग के बाद किया जाता है, और यहां पर क्या करते हैं, जनरली
जो आर्टिकल है उसको फायरिंग के लिए कहाँ ले जाएंगे, किल्न में। स्पेशल टाइप की फर्नेस होगी जहां पर टेम्परेचर लगभग 1170 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि जो मटेरियल है, जो क्ले है, उसमें चेंजेस होते हैं। जो हमने क्या ऐड किया था, क्ले फेल्डस्पार ऐड किया था रॉ मटेरियल की तरह, तो यहां पर किस में चेंजेस होते हैं, किल्न में जो चेंजेस होंगे वो क्ले में चेंजेस होंगे। क्ले और फेल्डस्पार में भी थोड़ा चेंज होगा, मेन चेंज क्ले में होंगे, और जो चेंज होगा इफ देयर इज एनी लाइम स्टोन, तो वहां पर लाइम स्टोन का भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये जो क्ले की रिएक्शंस है क्या होंगी, देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्ले जनरली क्या होता है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इस केओलिनाइट जो क्ले थी उसमें से वाटर का रिमूवल होगा और क्या बनेगा, मेटा केओलिनाइट। ठीक है, अब ये मेटा केओलिनाइट लगभग 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिकॉन स्पाइनल बनाएगा, और ये सिलिकॉन स्पाइनल अब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या बनाएगा, मुलाइट, और मुलाइट के साथ क्या बनाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3Al2O32SiO2, इसके साथ क्या बनाता है, सिलिका ग्लास का फॉर्मेशन भी होता है। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट जो कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तो ये जो क्ले है ये किस में कन्वर्ट हो गई, मुलाइट में, दिस इज द फॉर्मूला, और Al6Si2O13 एंड सिलिका ग्लास में। तो ये दोनों का मिक्सचर होगा, मुलाइट एंड SiO2 जो सिलिका ग्लास है उसका मिक्सचर हमें मिलेगा कहां पर, किल्न में, जब टेम्परेचर कहां तक जा रहा है, 1170 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है। और एक और रिएक्शन जो 800 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में होगी वो होगी, अगर कुछ लाइम स्टोन है तो वो भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO+CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही और रिएक्शंस होती हैं फॉर फेल्डस्पार, फेल्डस्पार बिगेन्स मेल्टिंग एट 1140, तो फेल्डस्पार भी जो है वो 1140 के आसपास मेल्ट होना शुरू होता है और सॉलिड, थोड़ा सॉलिड में कन्वर्ट होता है और थोड़ा विस्कस लिक्विड बनाता है। और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये सारा का सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। लगभग 1595 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये एक सॉलिड लिक्विड में, एक सॉलिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या करेगा, ये क्या करता है, बॉन्ड्स, इट डेवलप्स बॉन्ड बिटवीन सिरेमिक ग्रेन्स कॉजिंग डेंसिफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ पोरोसिटी। ये क्या करता है, उसको उसको नजदीक ले आएगा, डेंसिफाई करेगा, और क्या करेगा, पोरोसिटी को रिड्यूस करता है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास पहले ही है, मुलाइट है और सिलिका ग्लास है, इसके साथ किसका सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन फेल्डस्पार का। तो ये फेल्डस्पार क्या करेगा, इनके जो जो बना है मुलाइट उनको आपस में जोड़े रखेगा, और जोड़ेगा और पोरोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये मेन रिएक्शन है जो फायरिंग में होती है, और ये एक किल्न में होती है जो कि एक स्पेशल काइंड की फर्नेस होगी जहां पर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और ये टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, वैसे 1170 तक होता है, और लगभग इस टेम्परेचर को और बढ़ाया जा सकता है, अगर ये इतना टेम्परेचर पहुंचे 1595, तो फिर ये सारा का सारा फेल्डस्पार सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली हमारे पास क्या होगा, मुलाइट प्लस सिलिका ग्लास प्लस लिक्विफाइड फेल्डस्पार आफ्टर फायरिंग। अब फायरिंग के बाद जो हमें मटेरियल मिलेगा वो मटेरियल में क्या है, देखिए फिर से मैं बता रही हूं आपको, उस मटेरियल में क्या है, मेन जो है वह मुलाइट एंड सिलिका ग्लास, ये मिक्सचर हमें मिल जाएगा, और इनको बांधे कौन रखेगा, फेल्डस्पार, जो कि एक्ट करता है 1140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट होता है और ये इनको बाइंडिंग का काम करता है। अब देखिए अगर ये जो मटेरियल हमें मिला, सॉलिड सॉल्यूशन जो हमें मिला, मुलाइट प्लस सिलिका ग्लास, अगर ये मटेरियल में आयरन नहीं हो तो ये वाइट कलर का होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं फिर, वाइट वेयर,
व्हाइट कलर का अगर सिरेमिक बन रहा है तो वो क्या है, व्हाइट वेयर। अब ये जो आर्टिकल हमें यहां से मिलेगा वो क्या होगा, पोरस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बिस्किट। ये आसानी से क्या कर सकता है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो जो ट्रेडिशनली जो बनते थे घड़े गमले, इनको आप देख सकते हैं ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पोरस मटेरियल हो गए सिरेमिक्स के, ठीक है। लेकिन अब हमारे घर में जो है वो अगर हम कहते हैं कप है प्लेट है, अगर पोरस होंगे तो फिर वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उस मटेरियल को नॉन पोरस बनाने के लिए क्या करना होगा, ग्लेजिंग। तो ये एक स्टेप है ग्लेजिंग, जो कि किसको, जो पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देता सिरेमिक्स को। सो दिस इज अ प्रोसेस नोन एज ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग क्या है एक्चुअली, इट इज थिन लेयर ऑफ ग्लास एंड क्रिस्टल्स। ग्लेजिंग क्या है कि थिन लेयर ऑफ ग्लास एंड क्रिस्टल्स की जो आर्टिकल होगा जो फायर होके आया है उसके चारों ओर इसकी लेयर अगर लगा दें ग्लास एंड क्रिस्टल्स की, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लेजिंग। जनरली ग्लेजिंग क्यों की जाती है, इट इज यूज टू मेक सिरेमिक सर्फेस मोर इम्परवियस टू वॉटर, इम्पेनिट्रेबल टू वॉटर। इसको क्या करने के लिए, जो सिरेमिक की सरफेस है ताकि वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें ग्लेजिंग कर देंगे, थिन लेयर ऑफ ग्लास और क्रिस्टल्स की उसके चारों ओर से लगा देंगे। दूसरा क्या काम है इसका, एनहांसमेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल। दूसरा क्या काम करता है, आर्टिकल के अपीयरेंस को बढ़ाता है, स्मूथ कर देता है और शाइनिंग आ जाएगी मटीरियल के ऊपर। तो ग्लेजिंग का मेन काम है, सबसे पहला जो काम है, इम्पेनिट्रेबल टू वाटर जो आर्टिकल है बन जाता है। दूसरा अपीयरेंस उसका एनहांसमेंट होता है। तीसरा वो स्मूथ हो जाएगा। चौथा वो क्या हो जाएगा, शाइनिंग मटेरियल बन जाएगा। तो ये ग्लेजिंग का काम है। ग्लेजिंग के लिए जनरली क्या किया जाता है कि ग्लेजिंग से पहले जो मटेरियल है उसको फिर से उसकी फायरिंग करेंगे अबाउट 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, हार्डन हो जाए। फिर उसमें क्या करेंगे, ग्लेज अप्लाई करेंगे, जैसा ग्लेज चाहिए उस तरीके का ग्लेज अप्लाई करेंगे। फिर उसको फिर से फायरिंग करेंगे ताकि जो जितना हमने ग्लेजिंग करी है वो सही ढंग से उसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए फर्दर फायरिंग करनी होगी। सो ये प्रोसेसिंग है, फायरिंग ग्लेजिंग एंड फायरिंग। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जो की जाती है, जनरली जो ग्लेजेस हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड्स की हेल्प से ग्लेजिंग की जाती है, क्योंकि ग्लेजिंग करते समय हमें यह भी देखना है कि अगर हमें मटेरियल कलर्ड चाहिए तो हम उस तरीके के ऑक्साइड्स को ही यूज करते हैं। तो ये जो ग्लेजेस हैं वो कलर भी प्रोवाइड करते हैं और टेक्सचर भी प्रोवाइड करते हैं सिरेमिक्स को। अलग अलग तरीके का टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑक्साइड्स आर SiO2, B2, बोरोन का ऑक्साइड है, सोडियम, पोटेशियम। एक्चुअली जो एल्कली ऑक्साइड्स हैं वो तो यूज होंगे, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड, उसके साथ दूसरे ऑक्साइड भी यूज हो सकते हैं। और ये जो ऑक्साइड है दे कैन गिव कलर टू द सिरेमिक्स, ये सिरेमिक्स को कलर भी दे सकते हैं। जैसे कोबाल्ट का ऑक्साइड है वो ब्लू कलर देगा, Fe2O3 तो वो येलो कलर देगा, MnO2 तो वॉयलेट कलर देगा, TiO2 तो फेंट येलो कलर देगा, क्रोमियम का ऑक्साइड है तो ग्रीन या रेड कलर देगा, कॉपर का ऑक्साइड है तो ग्रीन या रेड कलर देगा। तो ये ऑक्साइड्स, अगर हमें कलर्ड मटीरियल चाहिए तो हमें एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावा हमें ये कलर्ड ऑक्साइड्स भी लेने होंगे, जो कि उसको कलर देंगे या टेक्सचर देंगे सिरेमिक को। तो जनरली ये क्या होते हैं, ग्लेजेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। अब अगर हम ग्लेजिंग की एप्लीकेशन देखें, कैसे अप्लाई किया जाता है ये, तो सिंपल मेथड है, ग्लेज कैन बी अप्लाइड बाय डिपिंग और स्प्रेइंग, या तो हम उसको इमर्ज कर दें, जो हमारा मटेरियल है उसको उसमें डिप कर दें, इमर्ज्ड करें, या फिर स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर ग्लेज मटेरियल का। पैटर्न में अप्लाई थ्रू मशीन्स, पैटर्न जो है वो मशीन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें हैंड कलरिंग हो सकती है या फिर ग्लेजिंग की जा सकती है पैटर्न्स के ऊपर भी। तो ये ग्लेजिंग है, और ग्लेजिंग आपने देखी कैसे इंपॉर्टेंट है। ग्लेजिंग जो है वो क्या करती है, स्मूदनिंग, शाइनिंग एंड सबसे बड़ा जो काम है वो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसको रोकेगा। अब सिरेमिक का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि सिरेमिक का क्लासिफिकेशन एक्चुअली बहुत टिपिकल है और कई तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है सिरेमिक मटेरियल्स को। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने लिया है ये है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ सिरेमिक
सिरेमिक्स, सिरेमिक की जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ हो सकती है उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन बस लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो सिरेमिक्स हैं उनका क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किया जा सकता है, कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन पार्ट। और ये दो तरीके का होता है एप्लीकेशन बेस्ड, दो तरीके से जो हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, ट्रेडिशनल ये पहले से चले आ रहे हैं, और एक है एडवांस्ड सिरेमिक्स जिन्हें हम न्यू सिरेमिक्स भी कहते हैं। ये नई एप्लीकेशन को लेते हुए इसको हमने डिवाइड किया है ट्रेडिशनल सिरेमिक्स एंड एडवांस्ड सिरेमिक्स। जो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स हैं वो हो सकते हैं वाइट वेयर्स, क्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिक्स एंड टाइल्स, एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्ट्रीज, सीमेंट। सो ये जो है वो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। दूसरे तरीके के जो सिरेमिक्स हैं वो एडवांस्ड हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। जनरली ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रीज में इनकी एप्लीकेशंस हैं। ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रो सिरेमिक्स, इलेक्ट्रो सिरेमिक्स जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जगह पर यूज होंगे, जैसे डाई इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स हैं, स्टोरेज के लिए यूज होता है, जैसे आयन कंडक्टर सिरेमिक्स हैं, ये बैटरीज में यूज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रो सिरेमिक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं। दूसरे तरीके के जो सिरेमिक्स हैं वो है मैग्नेटिक सिरेमिक्स, जैसे फेराइट्स। फिर तीसरे तरीके के जो मटेरियल है वो ऑप्टिकल सिरेमिक्स, जैसे ग्लास है, तो ये जो है वो ऑप्टिक्स में, ग्लास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिरेमिक, ओके, जिसको हम पढ़ चुके हैं ग्लासेस के बारे में, ये भी एक तरीके का सिरेमिक्स है। और ये जो है एक तरीके के क्या है, देखिए जो एडवांस सिरेमिक्स हैं वो एडवांस स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स भी हैं, जैसे ये न्यूक्लियर पावर में यूज होते हैं टू स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट। फिर बायो सिरेमिक्स हैं जो कि जिनकी मेडिकल एप्लीकेशन होती है। ऑटोमोटिव हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा ये यूज हो सकते हैं फिल्टर्स में, मेम्ब्रेन्स में, एज कैटालिस्ट। सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस सिरेमिक्स, सो दीज आर नोन एज न्यू सिरेमिक्स और एडवांस सिरेमिक्स बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट एंड देयर इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ दीज सिरेमिक्स। नाउ अगेन वी कैन कंपेयर बिटवीन ट्रेडिशनल सिरेमिक्स एंड एडवांस्ड और न्यू सिरेमिक्स, इसके बीच में हम कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल सिरेमिक्स को देखें तो इसके थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं, अगेन क्ले, सिलिका एंड फेल्डस्पार। सिलिका को हम फ्लिंट भी कहते हैं। क्ले, क्ले क्या करता है ट्रेडिशनल सिरेमिक्स में, मेजर बॉडी ऑफ द मटीरियल, एक्चुअली ये जो मेजर पार्ट है जिसकी वजह से सिरेमिक्स एग्जिस्ट करते हैं वो है क्ले। सिलिका क्या करता है, इट इज अ रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट, ये हाई मेल्टिंग कंपोनेंट है। और जो तीसरा कंपोनेंट है फेल्डस्पार, ये बाइंड करता है रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट्स को, ये रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट्स को बाइंड करता है, इट इज अ लो मेल्टिंग कंपोनेंट। और ये क्या करता है, ग्लास फॉर्म करता है ऑन फायरिंग विद सिरेमिक्स, तो ये सिरेमिक्स के साथ क्या फॉर्म करता है, ग्लास फॉर्म करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिशनल सिरेमिक्स के। और ट्रेडिशनल सिरेमिक्स की जो एप्लीकेशन है मेनली देखिए कहाँ है, कंस्ट्रक्शंस में, अर्दन वेयर्स में, ग्लास वेयर्स में, तो ये मेन जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं इन ट्रेडिशनल सिरेमिक्स की। सिंपल मेथड है इनको प्रिपेयर करने का और सिंपली तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। अगर हम एडवांस्ड और न्यू सिरेमिक्स को देखें तो ये सुटेबल होते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जनरली ये हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं हम लोग, आपको पता है ब्रिक्स यूज करते हैं, टाइल्स यूज करते हैं, ग्लास वेयर्स यूज करते हैं, और जैसे पॉर्सिलेन की डिश लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं, अर्दन वेयर्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको यूज करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं। जबकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो है वो न्यू टाइप के एडवांस सिरेमिक्स की है। ये क्यों होती है इनकी एप्लीकेशंस, बिकॉज दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट। ये क्या होते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, वाइब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं एंड मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली। सिंपल केमिकल कंपोजिशन होता है इनका, लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि किस पर्पज से बनानी है, ये बनानी है फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी। रॉ मटेरियल्स तो ये होंगे, इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स भी यहाँ पर यूज होंगे। कुछ इंजन कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं, देखिए जैसे सिलिकॉन का नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जिरकोनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंजन कंपोनेंट्स हैं,
तो इस तरीके से अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पर बेस्ड इनकी जो कंपोनेंट होंगे वो एडिशनल होंगे और आर्टिफिशियल केमिकल्स भी यहाँ पर यूज होंगे, इसलिए ये एडवांस जो सिरेमिक्स हैं वो एडवांस्ड सिरेमिक्स इसलिए हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिरेमिक्स। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, सिरेमिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सिरेमिक्स जनरली कैसे होते हैं, देखिए आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड हैं और थोड़ा सा उसमें क्या हो सकता है, कोवेलेंट करेक्टर हो सकता है। सो विद स्मॉल कोवेलेंट करेक्टर दे आर जनरली आयनिक इन नेचर। उसमें आयनिक है तो दो तरीके के चार्ज आयन्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन्स कौन से होंगे, जो मेटल आयन्स होंगे, जैसे आयरन होगा, निकिल होगा, एल्यूमिनियम होगा। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड दीज आर कॉल्ड एज कैटायन्स। इनको क्या कहते हैं, कैटायन्स। नेगेटिवली जो चार्ज आयन्स हैं उनको क्या कहते हैं, वो नॉन मेटल आयन्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, इनको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो उसमें आयन्स प्रेजेंट होंगे जैसे आयनिक कंपाउंड में होते हैं, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। जो रिलेटिव साइज है कैटायन एंड एनायन का, दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंटरस्टीशियल साइट्स इन एन एनायन लैटिस। जो लैटिस में जो इंटरस्टीशियल साइट्स आपने पढ़ी है, क्रिस्टल लैटिस में पढ़ी होंगी, टेट्राहेड्रल हो सकती है, दे में भी ऑक्टाहेड्रल साइट्स, तो ये जो इंटरस्टीशियल साइट्स होती है डिपेंड करती है कि कैटायन और एनायन का रिलेटिव साइज क्या है, दैट इज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो पर डिपेंड करता है कि इंटरस्टीशियल साइट्स कैसी होंगी। ये कुछ शेप्स हैं जिससे शेप्स में जो जो सिरेमिक्स हैं वो शो करते हैं, जैसे पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर शो करते हैं वो, रॉक सॉल्ट। अब देखिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, जहां पर आप देखेंगे जैसे ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है ये वहां पर Cl- होता है, एनायंस होते हैं, और जो ये रेड से दिखाया है वो क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिरेमिक्स भी शो करते हैं, इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर आप देखेंगे एनायन टू कैटायन का जो रेशियो होगा 14:13 होगा। फिर पर्वस्काइट स्ट्रक्चर जो है वो शो कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मेटल भी प्रेजेंट है, एक और मेटल कैटायन प्रेजेंट है सेंटर में, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, पर्वस्काइट स्ट्रक्चर। और जो तीसरे तरीके का जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो है फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ये मैंने आपको दिखाए हैं बस कुछ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाया वो और कोई एनायन हो सकता है, ओ से जो जो रेड से दिखाया वो ऑक्सीजन है, और जो ब्लू से दिखाया था वो कॉपर था। सो ये एक और स्ट्रक्चर है जिसे फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर भी सिरेमिक्स का एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम सिरेमिक्स को कंक्लूड कर रहे हैं कि सिरेमिक्स क्या होते हैं। सिरेमिक्स जनरली क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है जिनमें मेटेलिक कंपोनेंट होता है, नॉन मेटेलिक कंपोनेंट होता है, आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो मेन रॉ मटेरियल हैं, पांच रॉ मटेरियल थे, क्ले, फेल्सपार, सैंड और फ्लिंट, फ्लक्सेस एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ये मटेरियल जो है वो उनको उनके थ्रू हम कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेन चार स्टेप मैंने आपको बताए हैं, मटेरियल प्रिपरेशन, शेपिंग, थर्मल ट्रीटमेंट एंड ब्लीचिंग। तो मटेरियल प्रिपरेशन जो है वो उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करनी होती है, देन स्लिप प्रिपरेशन होती है, देन एजिंग होती है। फिर जो उसके बाद जो करते हैं हम वो करते हैं शेपिंग। शेपिंग के बाद क्या करते हैं, स्लिप प्रिपरेशन, देन एजिंग। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, शेपिंग का। शेपिंग कैसे करते हैं, मोल्डिंग और कास्टिंग के थ्रू। देन थर्मल ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट का दो तरीके के ट्रीटमेंट हम करते हैं, एक हम करते हैं ड्राइंग और एक करते हैं फायरिंग। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्लेजिंग का। ग्लेजिंग क्यों करते हैं, ग्लेजिंग से क्या होता है, वो वाटर रेजिस्टेंट बनता है और क्या बनता है, वो स्मूथ बनता है, शाइनिंग उसमें आती है। फायरिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पर आप देखेंगे मेन जो जो रिएक्शंस हैं वो क्ले शो करती हैं और वो मूलाइट एंड सिलिका ग्लास में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट होता है उसकी हम क्या करते हैं, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, उसको कलरिंग भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल की, या फिर उसमें कुछ पैटर्न्स भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम उसका क्लासिफिकेशन देखें तो हमने एक तरीके का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जो कि एप्लीकेशन बेस्ड था, कि किस तरीके से हम उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं यूजेस के आधार पर। एक ट्रेडिशनल सिरेमिक्स जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, एक एडवांस सिरेमिक्स
जिनके एडवांस यूजेज हैं इंडस्ट्रियल में, उनका किस तरीके से एप्लीकेशन है, फिर हमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया और स्ट्रक्चर में आपने देखा जनरली जो सिरेमिक्स हैं आइंस बॉन्ड बनाते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस दोनों तरीके के आइंस होते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं। और मैंने जो आपको स्ट्रक्चर थी जो ड्रॉ किए वो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एंड फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट सिरेमिक्स। सिरेमिक्स विच आर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स, बहुत इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स हैं और जो कि हम अगेन इनको भी हम जो है आप रोज अपने आसपास आप इस सिरेमिक्स को देखते हैं। सो इन दिस वे दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स। सो आई थिंक आपको काफ़ी सिरेमिक्स के बारे में जानकारी मिली और आपको ये समझ में आया कि सिरेमिक्स क्या हैं, क्या इनके रॉ मटीरियल्स हैं, कैसे इनको सिंथेसाइज करते हैं, कैसे इनका यूजेस कर सकते हैं ट्रेडिशनली एंड एडवांस्ड फॉर्म में और इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।